नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो जघन्य घटना घटी है उसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वर्दी को शर्मसार किया है और इस घटना के बाद अब राजनीति भी काफी गर्मा गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ थाने में बलात्कार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि थाने के SHO ने ही इस बच्ची के साथ इस पूरी जघन्य घटना को अंजाम दिया है। घटना के बारे में अगर आपको बताया जाए तो मामला आप सबको भी पता होगा। दर्शक जो इस वक्त डिबेट को देख रहे हैं उनको भी इस घटना के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन एक बार फिर से इस घटना पर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश के पुलिस के सीनियर अधिकारियों की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के पुलिस के कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार वर्दी पर दाग बनने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार वर्दी को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्दी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पुलिस वालों पर नकेल कैसे कसी जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 13 साल की बच्ची, जो कि बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को उसको उसके गांव के 4 लड़कों ने जबरन अगवा किया और उसके बाद उसे भोपाल ले गए और भोपाल ले जाकर करीब उसके साथ 3 दिनों तक गैंगरेप हुआ है। उसके बाद वो लड़के उस बच्ची को लेकर के वापस ललितपुर आते हैं और ललितपुर में पाली थाने के पास उस बच्ची को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उस बच्ची के परिवार वाले उस बच्ची को लेकर के पाली थाने पहुंचते हैं। थाना इंचार्ज से इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन थाना इंचार्ज की तरफ से ये कहा जाता है कि आप पहले चाइल्ड लाइन में इसकी शिकायत करिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची अपनी शिकायत को लेकर के अपने परिवार के साथ चाइल्ड लाइन पहुंचती है, चाइल्ड लाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराती है और उसके 2 दिनों बाद थाना इंचार्ज, पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सिंह, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत काम करने वाला व्यक्ति है, उसने उस बच्ची को बयान के लिए थाने पर बुलाया और बयान के दौरान उस बच्ची के साथ वो जघन्य अपराध एक बार फिर से घटा जो 22 तारीख के बाद से लगातार 3 दिनों तक घटा था, यानी थाने के अंदर उस बच्ची के साथ रेप हुआ और रेप करने वाला थाना प्रभारी तिलकधारी सिंह है, ऐसा इस बच्ची की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा आरोप इसकी तरफ से लगाया गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इस बच्ची को चाइल्ड लाइन वापस भेजा गया और वहां पर जब इसका बयान लिया गया तो इस बच्ची ने अपने साथ घटी पूरी आप बीती चाइल्ड लाइन के अधिकारियों को बताई। उसने ये बताया कि पहले कैसे 4 लड़कों ने उसे भोपाल ले जा करके उसके साथ गैंगरेप किया। उसने ये भी बताया कि जब वो शिकायत दर्ज कराने गई तो उसे चाइल्ड लाइन भेजा गया और उसने बाद में ये भी बताया कि जब बयान दर्ज कराने के लिए 2 दिन बाद उसे पाली थाने बुलाया गया तो थाने में SHO तिलकधारी सिंह सरोज ने उसके साथ क्या क्या किया। इस घटना के प्रकरण में, इस प्रकरण में बताया जा रहा है कि जब यह प्रकरण अधिकारियों के जानकारी में आया, चाइल्ड लाइन की तरफ से शिकायत दर्ज हुई, तो उसके बाद से ही पाली थाना के जितने भी कर्मचारी थे वो सकपका गए थे और थाना इंचार्ज तिलकधारी सिंह सरोज फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और जो थाने में 6 लोग जिनकी ड्यूटी उस दौरान थी उन्हें लाइन हाजिर किया गया है और तिलकधारी सिंह को सस्पेंड किया गया है। तिलकधारी सिंह अब से थोड़ी देर पहले प्रयागराज में जाकर गिरफ्तार हुआ है, वो फरार चल रहा था, उसके फोन को ट्रेस करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो भी उस दौरान जब वो अपने साथ घटी घटना का बयान दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंची थी। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और आखिर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर भरोसा कैसे करे अगर थानों के अंदर, थानों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बेटियां खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के इन कर्मचारियों के अंदर इतना भी भय, इतना भी डर उत्तर प्रदेश की सरकार का या उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों का नहीं है कि वो इस तरह की घटनाओं को उत्तर प्रदेश के थानों के अंदर ही कर दे रहे हैं।
ये तो ललितपुर की घटना हो गई, चंदौली में भी कुछ इसी तरह का मामला निकल कर सामने आया है। चंदौली में भी आप सबने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, क्या क्या हुआ, और उसके बाद अब ललितपुर। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी ऐसी ही कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई ऐसे अधिकारी अभी भी हैं जो भागे भागे फिर रहे हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्होंने हत्याएं भी कर दी हैं, व्यापारियों की हत्याएं कर दी हैं। तो इस तरह के प्रकरण आखिर उत्तर प्रदेश में इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं? इतनी कोशिशों के बावजूद सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस हमारी मित्र है, लेकिन थानों के अंदर इस तरह के जघन्य अपराध जब घट रहे हैं तो कैसे हम इस पुलिस को अपना मित्र मानेंगे? कैसे बच्चियां अपने ऊपर घट रही घटनाओं की शिकायत दर्ज करवाने जाएंगी? आखिर इन सब चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? आखिर ऐसी घटनाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं? आखिर इन मनभड़ पुलिस वालों के मन क्यों नहीं ठंडे हो रहे हैं? क्यों वो सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं? क्यों वो खुद ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? और अब इस वक्त अगर बताया जाए तो अब से थोड़ी देर पहले तिलकधारी सिंह सरोज, जो कि SHO था, उसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। ADG जोन का ये बयान आया है, प्रयागराज जोन के जो अधिकारी हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आज सारी दिन राजनीति भी होती रही। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो ललितपुर पहुंचे थे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, और शिवपाल यादव, जिनकी नज़दीकियां BJP से काफ़ी बताई जा रही थी, उन्होंने भी आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को घेरा है। तो लगातार अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाती जा रही है। विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा आखिर यही है कि अगर हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश के थानों में और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से इस तरह की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। चाहे वो व्यापारी की हत्या की बात कर ली जाए, मणिलाल पाटीदार के मामले की बात कर ली जाए, कानपुर में जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने पुलिस की नाक के नीचे से ही व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया, उसके बाद फिरौती भी लेकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, उसमें भी संलिप्तता नजर आई। चाहे अभी हम चंदौली की बात कर लें, ललितपुर की बात कर लें, हम हाथरस की घटना नहीं भूल सकते। तो इस तरह की घटना लगातार होती जा रही है, सीतापुर की घटना भी इसमें ली जा सकती है। कई सारी प्रमुख घटनाएं हैं जिससे लगातार उत्तर प्रदेश में ये पुलिस के ऊपर जो भरोसा है वो भरोसा लोगों का टूट रहा है। और अब पुलिस के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, पुलिस आखिर इतनी सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर काम क्यों कर रही है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। एक बेटी की मौत हो गई तो उस मौत का कारण क्या है, उसको जांचने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज है, उसकी विवेचना हो रही है, उस विवेचना को प्रभावित करने का काम करना, जिसकी सरकार के समय पूरी अराजकता का वातावरण था, आज हर अपराधी को ये मालूम है कि अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। अभी प्रयागराज के थरवाई में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आज बहुत बड़ा खुलासा प्रयागराज की पुलिस ने किया है, तो इन सब घटनाओं का भी खुलासा होगा। उस हमारी सरकार में बहुत ही पारदर्शिता से जांच होती है और जांच के जो दोषी होते हैं उनको जो कानून के माध्यम से सजा दिया जा सकता है वो सजा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं, और जब तक कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाती, DIG झांसी को मौके पर ही रहने के निर्देश DGP के द्वारा दिए गए थे। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो
फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रूबरू कराता हूं, फिर आप इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रदीप चौधरी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं और महेश मिश्रा जी ex IPS अब से थोड़ी देर में हम सबसे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जैन साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। लगातार जैन साहब इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, आप लोगों की कोशिश है जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की, आप लोगों की कोशिश है पुलिस को जनता का मित्र बनाने की, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे जनता का जो भरोसा है वो उठते जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ इस तरह की घटनाएं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आप लोगों को ऐसी घटनाओं को लेकर के घेर रहा है, क्या जवाब है, क्या कार्रवाई है? देखिए नितिन जी, जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद और शर्मसार करने वाली घटना है और एक बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म होता है और उसके बाद में जब वो पुलिस के पास पहुंचती है तो वहां पर रक्षक ही भक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस निकम्मी हो गई है या जो है सारी की सारी पुलिस भ्रष्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम भी उस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वर्दी पर कई सारे सवाल हो रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी, देखिए होता क्या है कि इस तरीके के भले ही एक दो घटनाएं दिखाई दें, लेकिन ये समाज के अंदर और जनता के बीच में जो पुलिस के प्रति जो जनता का एक रुख है और जनता का जो भरोसा है उस पे बिल्कुल आंच आती है और जनता कहीं ना कहीं पुलिस पर से जो भरोसा है वो उठता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस आपके जो लाखों लाख दर्शक हैं उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जो सख्त अभियान चला रही है उसमें चाहे कोई पहुंच वाला व्यक्ति हो, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, किसी को भी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर छूट नहीं है, ना किसी को बख्शा जा रहा है। और FIR दर्ज हुई है, उसमें पूरा की पूरा थाना लगभग उसमें जो महिला आरक्षी से लेकर के सिपाही से लेकर के SI से लेकर के और जो वहां पे दरोगा थे तिलकधारी सरोज, इनपे सब पे FIR दर्ज हुई है और सबको सस्पेंड किया गया है। और जिन 6 लोगों पे FIR दर्ज हुई है उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से जो तिलकधारी सरोज हैं दरोगा, इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये जो SP साहब हैं वहां के ललितपुर के निखिल पाठक जी, उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। तो कुल मिलाकर के बहुत त्वरित कार्रवाई, त्वरित एक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी जो घटना हुई है, एक्शन हुआ बिल्कुल, उसके लिए हम आप लोगों को सराहते हैं। नहीं, एक्शन ठीक है, बढ़िया है, एक्शन के लिए हम आप लोगों को सराहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक्शन तुरंत किया, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो मनबड़ पुलिस वाले हैं या फिर मनबड़ लोग हैं, मैं पुलिस वाले भी नहीं कहूंगा क्योंकि पुलिस वाले इस तरह के नहीं होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं आखिर इनका मन थाने के अंदर बैठ करके ये सब करने के लिए कैसे गवाही दे जाता है? क्या उनके मन में किसी चीज का, किसी भी चीज को लेकर के कोई भी डर नहीं है? नितिन जी देखिए, इसके पहले वो चाहे ऐसे अधिकारी थे जो कहीं ना कहीं उनके कार्यों में शिथिलता थी या उनकी चरित्र पत्रिका जो है, चरित्र पंचिका जो है उस पे उनका दागदार रिकॉर्ड रहा, ऐसे जो बड़े अधिकारी थे, यहाँ तक कि जो IPS और आपके IPS अधिकारी थे उनको भी जबरन रिटायर्ड किया गया, उनको हटाया गया। तो अब देखिए कि यही पुलिस है, यही पुलिस उत्तर प्रदेश में अच्छा काम भी करती है। अच्छा। आप देखिए इसके जो योगी सरकार बनती उसमें 100 से ज्यादा
दुर्दांत अपराधी मारे गए, जो 50,000 1,00,000 2,00,000 के इनामी थे, वो काम भी यही पुलिस करने वाली थी, और लगभग 4,000 लोगों को गिरफ्तार करके जो जेल भेजा यही पुलिसिंग थी जिससे योगी सरकार ने काम लिया। लेकिन हाँ, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी चरित्र पत्रिका देखी जा रही है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ठीक है जैन साहब, मैं आता हूं। जो घटना हुई इसमें तो पहले तत्काल एक्शन लिया गया है और बिल्कुल इनका आगे पीछे का भी रिकॉर्ड देखा जाएगा कि किस तरीके से अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और प्रथम दृष्टया FIR दर्ज कर ली गई है और त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताऊं नितिन जी, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं पूरी देश पूरे प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके आपसे कोई भी वो चाहे उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो, वो अगर अन्याय करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता को बिल्कुल न्याय मिलेगा और न्याय के लिए ही सरकार बनी है। सरकार ने उससे पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके दिखाए और इसमें बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सर, अभी गिरफ्तारी हुई है और अतिरिक्त जिन जिन धाराओं को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी उन धाराओं को जोड़ करके बड़ा एक्शन लिया जाए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। आप प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर फिर सवाल खड़े हुए हैं। थाने के अंदर 13 साल की बच्ची जो कि अपना बयान दर्ज करवाने गई थी उसके साथ रेप हुआ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज वहां पर गए थे, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्योंकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे अहम था और कहीं ना कहीं इस पर आज ये जो घटना हुई है जिसका खुलासा हुआ है, इसको आप लोग किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहना आप लोगों का? नितिन जी, दरअसल क्या है, हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो उनको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है ये घटना ललितपुर की हाईलाइट हो गई है। ऐसी हर जिले में लगातार घटनाएं, चाहे पुलिस के द्वारा हो चाहे अपराधियों द्वारा हो, मथुरा में लगातार इस तरह की घटना हो रही है। अब जैसे ललितपुर वाली घटना है, एक बिटिया, आप बताइए किसी के साथ कोई घटना होगी न्याय मांगने के पास अगर वो कहीं जाएगी तो आने जाएगी? थाने के अलावा और तो कोई सुरक्षित जगह है नहीं। बिल्कुल, जब थाने में ही ये घटना हो जाएगी तो किस पर कहां न्याय मांगा जाएगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात सरकार की नियत और नीति की है। आप बताइए, वसूली ना देने पर एक व्यापारी किरसर मालिक को मार दिया गया, आज तक मणिलाल पाटीदार पकड़ा गया, आज तक फरार है नहीं, आप बताइए। जैन साहब कह रहे थे प्रदीप जी कि अभी ये जो घटना आज हुई है उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है और अब तो वो SHO भी गिरफ्तार हो गया है प्रयागराज से, तो कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात कार्रवाई आज होनी है, 10 दिन बाद होनी है, कार्रवाई करना एक पार्ट है, घटना घटित होना दूसरा पहला पार्ट है। लेकिन घटना का स्थान कहाँ है ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, घटना थाने के एक SHO के क्वार्टर में हुई है। नितिन जी, जी बात ये नहीं है, हम ये मानते हैं घटनाएं होती हैं, घटनाओं का वर्कआउट होता है, पुलिस कंट्रोल करती है, लेकिन अगर वही घटना, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, वही घटना ऐसी जगह पर हो जाए, जैसे आप बताइए जिले का कप्तान से न्याय मांगोगे आप और कप्तान अपने पास बुला करके कर दे, तो ये तो शर्मसार होने वाली बात है ना जी। इसका मतलब कानून का डर नहीं है, अपराधी तो अपराधी, अपराधियों को कोई डर नहीं है कानून का, लेकिन इनके पुलिस को भी इनका डर नहीं। सर में इतनी छूट मिली हुई है कि आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, चाहे बुलडोजर चलाइए, चाहे किसी का हत्या करा दीजिए, चाहे लूट करा दीजिए, लेकिन आपका कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपदा 4 दिन पहले वो बेटी 22 तारीख से गायब है, उसको उसकी मौसी के हवाले कर दिया जाता है, फिर चाइल्डलाइन को दे दिया जाता है, फिर बयान के खिलाफ इसकी हैवानियत है, ये इंसानियत नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा सब पुलिस वाले ऐसे, लेकिन जो मन भरे जिनको खुलेआम छूट दी गई है, ऐसे बहुत पुलिस वाले हैं। आज थाने के हालात बता देते जी आपको, क्योंकि मैं जैन साहब बैठे सुन रहे हैं मेरी बात को, एक पास भी रखेंगे जैन साहब। जब से थानों में पॉलिटिकल हस्तक्षेप खत्म हुआ है, जब से राजनेताओं की बात थानों में नहीं सुनी जाती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, विधायक जिले का कोई विधायक कप्तान से कहके एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकता है, क्योंकि उसके तार कहीं और जुड़े हैं जी। एक जनप्रतिनिधि अगर एक मोटरसाइकिल नहीं चला पाएगा, एक जनप्रतिनिधि थाने में खड़ नहीं कर पाएगा। थानों के हालात ये नितिन जी के पहले जो काम 500 रुपए में होता था, आज पुलिस 5,000 मांगती है, और अगर आपने किसी नेता से फोन करा दिया वही 15,000 में तब्दील हो जाती है। उदाहरण दे सकता हूँ आपको, उदाहरण। अच्छा हाँ जी,
मतलब पुलिस को आज ये बुरा लग रहा है अधिकारियों को कि तुमने तो राजनीति क्यों करा दी। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोगों की बात कर रहा हूँ। जनता बताओ किस कप्तान से फोन करके किसी जो गलत काम करने वाले ऐसे को हटवा दे, अभी नहीं हटवा पाएंगे। हमारे घटना हुई थी कोरोना काल में, जनता एक बार रुपये में पूरी कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कहा ट्यूट करके ऐसो कोसी को ऐसो फतलाइन हाजिर कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का दर्जन सभा उसके बाद दोनों ऐसो लगातार एक एक साल उन्हीं थानों में रहे, वो हटाए नहीं गए। ठीक है सर, आप नितिन जी, इसलिए आज जो हालात प्रदेश के हैं, आज अपराध आप बताइए चंदौली में, ठीक है वो अपराधी होगा उसको आप कानून कार्रवाई करिए, वो दोनों बेटियों को एक बेटी की हत्या हो गई, अब आप कैसे कार्रवाई करेंगे? अरे जेल भेजना सॉल्यूशन नहीं है, अपराध ना हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। माँ बहन बेटी इज्जत के साथ जा सके, माँ बहन बेटी आज बाजार नहीं जा सकती है, और आप कहते हैं एंटी रोमियो, एंटी रोमियो केवल उनके लिए, अगर पति पत्नी भाई बहन जा रहे हैं तो उनको प्रताड़ित करते हैं एंटी रोमियन के। इनका 100 नंबर जो अच्छी सुविधा, जैन साहब आ रहा हूँ, सुन लीजिए, सबकी ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ सर। आप व्यापारीकरण हो गया है 100 नंबर का। मैं घटना आपको बताऊंगा मथुरा की, एक औरत को रात में एक औरत के साथ गलत काम किया एक व्यक्ति ने, और वो सबसे टूट गया, उसके पैर टूट गए। उस व्यक्ति पीड़ित ने 100 नंबर को फोन किया तारीख 13 को जी, 100 नंबर रात को 13 तारीख को आती है रफा दफा करके पैसे लेकर चली जाती है, और 17 तारीख को उसी थाने में जो बादी था उसी के खिलाफ हड्डी टूटने का, हाथ की हड्डी टूटने का 307 का मुकदमा लिख दिया जाता है जी। और जब 300 और परिवार पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद सुनिए मामला उजागर हुआ तो उसी थाने में फिर पीड़ित का 376 लिख लिया। अब आप बताइए पुलिस किस मामले में सही है? 13 तारीख को 100 नंबर थाने आके घटना की सूचना दी होगी, लेकिन वो कहाँ चली गई सूचना? 17 में उसका मुकदमा लिख दिया, फिर 22 में पीड़ित का मुकदमा लिख दिया। अब बताओ किससे न्याय ना दोगे आप? ठीक है, आपको FIR भेजूंगा दोनों की। ठीक है सर, मैं आता हूँ। इसलिए आज कानून अपने आप को बचा ले वही व्यक्ति अच्छा है। ठीक है सर, मैं आता हूं। पॉलिटिकल जवाब, जैसे जिस तरीके से 4 स्तंभ हमारे हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, मीडिया और राजनीति, चारों पांचों स्तंभ हमारे हैं, कुर्सी 4 पाए हैं, आज 2 पाए कमजोर पड़ गए नितिन जी, आज 2 पाए कमजोर पड़ गए, जनता के साथ ठगी हो रही है, एक पाया बचा केवल और केवल अफसरशाही, वो मनमानी कर रही है, आपके पास। थैंक यू। विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। विनय जी, आपके भी राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी ने भी इस पर ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर के, क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की और इस तरह की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं थम रही? नितिन जी देखिए, चंदौली की घटना और ललितपुर की घटना, ये तो मीडिया के द्वारा लाइट में लाया गया, इसलिए हमें और आपको इसके बारे में और आम पब्लिक को इस बारे में जानकारी है। लेकिन चुनाव के वक्त आपने देखा होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ जी ने कानून व्यवस्था इतना टाइट कर दिया है कि रात के 12 बजे भी बहन बेटियां गहने पहनकर स्कूटी पर निकल सकती हैं। लेकिन अभी 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ है और 1 से 1.25 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, इस 1.25 महीने के दौरान आदित्य योगीनाथ के जंगल राज 2.0 की कलंक कथा मैं आपको बताता हूँ। मेरठ में दुष्कर्म के विरोध पर कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर दी गई, गोरखपुर में पति पत्नी और बेटी तीनों की हत्या कर दी गई, हापुड़ में रैकिंग का विरोध करने पर छात्रा के बाल पकड़कर उसे घसीट घसीट कर मारा गया, मुजफ्फरनगर पर 20 सड़क पर पति पत्नी की हत्या कर दी गई, उन्नाव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नर्स की हत्या कर दी गई, मथुरा में दुष्कर्म के बाद पुलिस के सामने युक्ति को दूसरे मंजिले से फेंक दिया गया, और झांसी में दुष्कर्म ना कर पाने के विरोध में युवक ने युक्ति को ट्रेन से फेंक दिया। अब आप मुझे बताइए 1.25 महीने के अंदर इतनी घटनाएं हो गई हैं, अब आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात में स्कूटर पर खुद गहना पकड़कर
पहनकर निकल जाएं तो उनके साथ क्या क्या हो जाएगा ये मैं नहीं बता सकता। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो गई। आप मुझे बताइए ललितपुर में जो हुआ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। एक 13 साल की बच्ची के साथ 3 दिन तक लगातार रेप होता है, वहां तक तो गलीमत है। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और ये सत्ताधारी अपने सत्ता के नशे में मगरूर रहेंगे। अभी आपने इनकी पहल आपने कई बार महोबा की घटना का चर्चा किया, एक व्यापारी से हफ्ता मांगा जाता है नहीं देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और इनका यशपी फरार हो जाता है, यशपी फरार हो जा रहा है, दरोगा फरार हो जा रहा है। कौन सी कानून व्यवस्था चल रही है? मैं बस जैन साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका ये बुलडोजर जो गरीबों और फुटपाथ पर और आपके विरोधियों के ऊपर चल रहा है, योगी बाबा का ये बुलडोजर इन बलात्कारियों के ऊपर कब चलेगा? इन बलात्कारियों को क्यों बचाया जा रहा है? और आप एक बात समझिए, किसी एसएचओ की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है जो कानून के दायरे में रहकर थाने के अंदर बैठकर वो रेप करेगा अगर उसे सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। ठीक है सर, ठीक है। जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हैं। सुभाष जी, इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर वर्दी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 5 साल में भी हमने देखा कि कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं और अभी सरकार को दूसरे कार्यकाल का 1.25 महीना हो रहा है और फिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में सामने आ गई, वो भी लगातार, पहले चंदौली और अब ललित। क्या कहें नितिन जी? सबसे पहले तो मैं जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटना घटित हुई है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं वहाँ के ललितपुर की पुलिस की प्रशंसा भी करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की और उस आरोपी को पकड़ के उन्होंने हिरासत के अंदर ले लिया। बात यहाँ पे जो पुलिसिंग व्यवस्था की जो होती है ना, पुलिसिंग व्यवस्था को अगर बेहतर करना चाहें हम तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि समय समय पर इसकी काउंसलिंग हो, क्योंकि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना ये पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी हुई है। थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, जैसे कि अभी पटेल जी बोल रहे 2.0 की बात है, 2.1 के अंदर चले जाएंगे, गोरखपुर के अंदर पुलिस वालों ने एक व्यापारी कानपुर के व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला था। तो ऐसी कई घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रही है। पुलिसिया व्यवस्था को अगर सही करना है तो इनकी समय समय पर एक काउंसलिंग होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं सरकारों से जोड़ के नहीं देना चाहता हूँ कि सरकार ये थी उनकी तो ये कार्रवाई हो गई, ये सरकार थी तो ये अपराध बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हैवानों और शैतानों को सरकार से जोड़कर नहीं देना चाहिए। जो भी अपराधी है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। ये बार बार सरकारों से जोड़ के देखिए, योगी सरकार आ गई तो योगी सरकार के अंदर अपराध बढ़ गए, ऐसा नहीं है। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर डाटा देखा जाएगा ना तो मैं समझता हूँ कि 2016 से पहले जितने अपराध हो रहे थे उससे गिरावट आई इस बार में, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कि उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अपराध को सरकार से जोड़कर बिल्कुल ना देखा जाए, अपराधी को उसी प्रकार से सजा दी जाए जिस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सुझाव भी रहेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो समय समय पर उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग से हमें ये तो पता चलेगा कि कौन सा पुलिस वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रदीप जी ने जो एक बात बोली थी उस बात के ऊपर मैं पूरी तरह सहमत हूँ, घटना हुई उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन घटना जो हुई वो घटना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस थाना बिल्कुल सही बात, आदमी निराश होता है, परेशान होता है, हताश होता है, तो थाने में जाता अपनी फरियाद लेके कि उसे पता है कि मुझे यही न्याय मिलेगा। लेकिन जो न्याय देने वाला ही उसके साथ अन्याय करने पे उतारू हो जाए ना, यही बहुत शर्मसार कर देने। अच्छा, घटना ललितपुर में घटी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर थानों में महिला और बच्चियां जाने से डरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से मैसेज आएगा ना इसके अंदर कि हम जहां जा रहे हैं मदद मांगने के लिए उन वर्दी वालों से जिन्हें हमें उम्मीद है, जिनसे हमें आशा है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो भी वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, इनके अंदर एक डर बैठेगा कि हम कहां जाएं, किससे फरियाद करें, किससे मदद मांगने के लिए जाएं, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने वाली बात। ठीक है, ठीक है। जैन साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए नितिन जी, जी पहली बात तो ये कि घटना की निंदा के साथ साथ हमने भी ये बात कही कि बिल्कुल घटना शर्मसार करने वाली मान कर, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि घटना होनी ही नहीं चाहिए, घटना हो कैसे गई, तो मैं इनको पहली बात तो ये कि जब भी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो और उससे जब विपक्ष की पार्टियां सामने आकर के राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं तो ये उस घटना से भी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात होती है, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपराधियों को बचा भी ले जाते हैं, क्योंकि फिर तुलना करने लगते हैं, आपने इनपे बुलडोजर चलाया, इनपे क्यों नहीं चलाया, आपने फला जात का इनकाउंटर कर दिया, फला जात के लोगों को बचा लिया आपने,
जब 4000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ये 4000 वो लोग थे पिछली सरकार में जिनकी गिरफ्तारियां हुई, जो समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से लेकर के 2017 तक बाकायदा न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी था और वो वांटेड थे, लेकिन यही उत्तर प्रदेश की पुलिस 5 साल तक समाजवादी पार्टी सरकार में उन अपराधियों का ना ढूंढ पाई ना जेल भेज पाई, लेकिन योगी जी के आने के बाद में वो 4000 लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, तो ये कहते हैं कि समाजवादियों को ढूंढ ढूंढ करके जेल भेजा जा रहा है। फिर जिस घटना की आज हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए इस पे हमें लगता है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है बहुत सख्त कार्रवाई, मैं आपको याद दिलाऊं नितिन जी, 2006 फरवरी 2014 में, मैं ये सब चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथी ने जिस तरह बात की है, और इस 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दरोगा और 2 सिपाहियों ने मिलकर के रामपुर थाने के दड़ियाल चौकी के इंचार्ज थे आर के मिश्रा, इन्होंने एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था, बलात्कार किया था और FIR तक नहीं दर्ज हुई थी। बाकायदा न्यायालय से जब न्यायालय ने 156(3) की एप्लीकेशन पड़ी उस पे आदेश हुआ था, और तब जाकर के ये दरोगा और दोनों सिपाही गिरफ्तार भी हुए थे, इनके खिलाफ मुकदमा भी न्यायालय ने दर्ज कराया था। तो समाजवादी पार्टी सरकार में घटना होती घटना ही खा जाते, उसमें कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। मैं नाम से बता रहा हूँ, आर के मिश्रा मुलजिम थे, रामपुर के दरियाल चौकी का मामला था, चौकी इंचार्ज थे, तो FIR तक नहीं दर्ज की। जो जिन लोगों के शासन काल में FIR तक नहीं दर्ज हुई, एक 13 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना होती है और रेप की घटना होती है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक है कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा अच्छी बात है कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपराध में कंपटीशन होना चाहिए कि उनके यहाँ ज्यादा था, उनके यहाँ नहीं होता था, उनके यहाँ होता था, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छे कामों में आप लोग कंपटीशन कर लीजिए, ठीक है, मैं चर्चा करूंगा उस पर। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो लोग खुद गले तक डूबे हुए अपराध में, जिनकी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और एक घटना इस तरीके की नहीं होगी। आपको याद होगा बाराबंकी में एक पत्रकार की मां के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ और उसमें सफल नहीं हुए, उस दरोगा ने उस महिला को जिंदा जला दिया, थाने में फूंक दिया वहां पर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद में काफी दिन बाद जब उसमें सारे पत्रकारों ने आंदोलन किया और लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके उसमें कार्रवाई हुई। और एक घटना इस तरीके की है, 1 जनवरी 2015 की घटना है, बदायूं फतेहपुर की घटना है, पुराना डाटा सारा तैयार करके लाए हैं आप, क्या गिनाइए ठीक है, उनको जनता ने सबक सिखा दिया है, आप क्या कर रहे हैं आप उस पर बताइए, आप ये बताइए कि हाथरस के केस में आपके DM कह रहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए ना, आप सपाइयों भाजपाइयों और कांग्रेसियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप अपना बताइए, आप अपना बताइए। अरे भाई रेप पे कंपटीशन चर्चा करेंगे, रेप के कंपटीशन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप बताइए हाथरस के केस में आपका DM कह रहा था कि नहीं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, आप जहाँ बैठे बताइए इसको, अरे आपका DM कह रहा था कि नहीं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, कश्मीर के अंदर आप लोगों ने बलात्कारियों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली कि नहीं निकाली, बताइए इसको, बस यात्रा क्या एक्शन लिया आपने कुलदीप सक्सेना के ऊपर, क्या एक्शन लिया आपने चिन्मयानंद के ऊपर, जो आपके पार्टी के हैं, जो आपके साथ हैं, वो बलात्कार करे हत्या करे उनके सब खून बहाए हैं, लेकिन अगर कोई विरोधी है कोई गरीब है तो आप उस पर बुलडोजर चलवाएंगे, बताइए कितने माफिया हुए मसीह बनाए इस माफिया ने, आप तुलना करेंगे प्लीज, ठीक है, वन बाय वन प्लीज 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 प्लीज, जिनको ये नहीं मालूम है, प्रदीप जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ सर, ठीक है जैन साहब, हो गया आपका, ठीक है जैन साहब, जैन साहब सपा की कमियां थी आप गिना रहे हैं, तो सपा को जनता ने जनादेश से दूर रखा, आप लोग सत्ता में आए हैं, बिल्कुल साफ बात है। हाँ प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, नितिन जी मैं थोड़ा सा इन बड़े भाई को बताना चाहता हूँ कि 5 वर्ष सत्ता की मलाई खाने के बाद दूसरा टर्नओवर में भी आप समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे, आज तक देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को नहीं भूल पा रहे हैं, कोई परसा भी आपने अपना लिया क्या, बुरा करे तो नेहरू जी, अरे जो नेहरू ने बनाया वही बेच बेच के खा रहे हो, उत्तर प्रदेश में आज बिजली का संकट है, एक बिजली घर नहीं बना पाए,
एक पावर प्लांट नहीं बना पाए और समाजवादी पार्टी की बात करेंगे? अरे राजनीति मत करिए, ये चुनाव के लिए आपको जनता ने जनादेश आप लोग और की राजनीति कर रहे आज उत्तर प्रदेश में। अरे 2024 के चुनाव में कर ले रहा, 25 लाख मत करिए राजनीति, 25 लाख घटनाएं एक साल में हुई, मणिराज पार्टी से फरार 25 लाख घटनाएं हुई, 5 साल उन्नाव के पीड़ित में 25 लाख घटनाएं हुई, 25 घटनाएं गायत्री प्रजापति लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बलात्कार के साथ प्रदेश की आज भी गायत्री प्रजापति पार्टी आज भी पार्टी पोस रही है। आज हमारे नेता पीड़ित से मिलने गए, इनका कोई नेता पहुंचा दो फर्द नहीं मिले किसी नेता के पीड़ित परिवार के लिए। व्यापारी को मार दिया जाता है, एक व्यापारी को मार दिया जाता है, आरके मिश्रा जो चौकी अपहरण होने के आज तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, बड़े बड़े अपराध हुए और आज तक अपराधी फरार घूम गए, क्योंकि हमारे आपकी सरकार ने कमर उत्तर प्रदेश में होती थी। हेलो नितिन जी, हाँ जी बोलिए। पति पत्नी की हत्या की गई थी, होती थी प्रतिदिन इसी उत्तर प्रदेश में, पकड़े गए थे, उनको रोकने के काम के लिए सरकार में आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुई है, ठीक है, प्लीज ठीक है, थैंक यू आप लोगों का, कार्रवाई भी हो रही है, अब आगे चलेंगे, ठीक है प्लीज, ठीक है जैन साहब आ गई, आगे बात आ गई, मैं विनय पटेल के पास हूँ, ठीक ठीक है प्लीज, थैंक यू आप लोगों का, विनय पटेल आपके बारे में चले जाना, ठीक है प्रदीप जी आ गई, बात आ गई, आपका बलात्कार कर दे रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, अरे सर वो आपने आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने यादव जी को आनी चाहिए, इस समय अखिलेश यादव को हरा दिया है, आपको किसी की प्रशासन को सपा सरकार में मुकदमा नहीं लिखा जाता था, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से समाजवादी गुंडे, ठीक है प्लीज, ठीक है आप लोगों का हो गया आप लोगों का भाई हो गया, ठीक है प्लीज, थैंक यू आप लोगों का, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, आ रहा हूँ जैन साहब, प्लीज प्लीज, ठीक है मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है प्लीज, ठीक है प्रदीप जी, जैन साहब, प्रदीप जी प्लीज, ठीक है, देखिए चर्चा का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई करें, चर्चा का मतलब ये है कि हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, चीजों को बेहतर क्या कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगे, इस पर चर्चा हो, ठीक है प्लीज, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, आ रहा हूँ आप लोग के पास, आओगे सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है प्लीज, सुभाष जी सबकी बातें सुन रहा था, देखिए सुनने के बाद में थोड़ी हंसी भी आ रही है क्योंकि हम चर्चा जो कर रहे थे रेप के ऊपर कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर गुंडा टैक्स वाली बात आ गई, व्यापारी को मारने वाली बात आ गई, आरोप प्रत्यारोप दोनों आ गए, वो 5 साल पुराना रिकॉर्ड भी बता देंगे, अब मैं यहाँ पे देखिए सवाल अगर आंकड़ों की बात करेंगे, जैसे मेरे काबिल दोस्त प्रवक्ता पटेल साहब ने बोला ना कि रेपों की बात, तो रेप की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश और अर्ध जो जिनको राज्य का दर्जा प्राप्त है उसके अंदर सबसे ज्यादा रेप राजधानी दिल्ली के अंदर है, सरकार इनकी है ये जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने सवाल किससे कर रहे हैं, कांग्रेस से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से करेंगे, जहां इनकी सरकार वहां नहीं करेंगे। मुझे जैन साहब के एक बात पर हंसी भी आई थी, जैन साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि जो 2015 का ये जो जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अभी भी याद है उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय कैसी जैन साहब समाजवादी पार्टी के अंदर थे, समाजवादी पार्टी में रहते हुए जैन साहब ने इस चीज को नहीं उठाया, आज समाजवादी पार्टी के ऊपर जब वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो उसी घटना की आज वो बात कर रहे हैं, तो पार्टी में रहते हुए उन्होंने उस समय उस घटना के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया,
बात यहाँ पे नितिन जी ये आ रही है ना कि हम सारी चीजें बात कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर दिया, पुलिस ने ऐसा कर दिया, सरकार ने इतने सुन लीजिए, प्रदीप जी, प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी, प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, प्लीज आप लोग सुन लीजिए पहले, जैन साहब, प्रदीप भाई प्लीज 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 सुन लीजिए, जैन साहब प्लीज, अरे भाई आप लोग आपस में मत लड़ो, पहले सारी चीजें सुन लीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज प्लीज, आप पूछिए नीरज शेखर जी से, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे से, क्यों पार्टी छोड़ दी, ये पार्टी क्यों खत्म हो गई, पार्टी इसीलिए खत्म हो गई समाजवादी पार्टी, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति, देखिए पार्टी खत्म हो गई या पार्टी से कौन चला गया, मैं इसमें चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे इसमें चर्चा करना है, नहीं मुझे इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना है कि कौन किस पार्टी में गया क्यों गया, मुझे इस पर चर्चा नहीं करना है, मैं जो अभी मौजूदा हालात है उस पर चर्चा कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग शांत रहिए, जैन साहब प्लीज 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 प्लीज, देखिए ऐसे डिबेट आप लोग पहले नहीं करते थे लेकिन आज पता नहीं क्यों आप लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, किस तरह किस पार्टी में था, ठीक है जैन साहब, ठीक है ठीक है ठीक ठीक, प्लीज 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 प्लीज, समाजवादी पार्टी को क्यों, ठीक है ठीक है, आ गया जवाब आ गया भाई आपका, मैं समझ गया कि आपका मोह भंग हो गया था, ठीक है प्लीज, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज जैन साहब प्लीज, जैन साहब प्लीज 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 प्लीज, ठीक है सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, जैन साहब आप पहले से डिबेट नहीं करते थे, आज आप कुछ ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, अरे भाई जवाब नहीं है, ठीक है जैन साहब मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ प्रदीप भाई, आ रहा हूँ प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, हाँ सुभाष जी अपनी बात पूरी कीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डिबेट का जो मुद्दा रहता है उसके अंदर ये लोग अपनी जो ताराशाही वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं, जिस मुद्दे पे उस मुद्दे पे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सवाल ये हो रहा नितिन जी की बेहतर पुलिसिंग के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया उसमें हमें नहीं जाना, वर्तमान सरकार जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण जनादेश दिया, उसके बाद 2022 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश दिया, अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल तो बनता है कि बेहतर पुलिसिंग के लिए वो क्या कर रही है, मैं यहाँ पे मेरा सुझाव देना चाहूँ केसी जैन जी के माध्यम से सरकार को कि इनको काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग से वास्तविक स्थिति का आकलन होगा कि पुलिस वाले किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं, वो किस यात्रा से गुजर रहे हैं, उससे इनको सही तरीके से पुलिस वालों को पहचानने में मदद मिलेगी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीजों पर ध्यान न जाते हुए आरोप और प्रत्यारोप ये तिलमिलाट होती है ना, जैसे जैन साहब ने बोल दिया कि मेरा मोह भंग हो गया था जो भी है, जैन साहब सवाल बनता है जाहिर सी बात है बनता है, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं रहेगा, ये तो जैन जी सुन लीजिए, ये सवाल तो प्रदीप चौधरी जी का था, शायद प्रदीप चौधरी जी भूल गए, ये तो मैंने याद दिलाया कि 2015 की घटना का जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त आप उसी पार्टी के अंदर मौजूद थे, उसी की सरकार थी, ये सवाल इनका था, इन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के आम नागरिक होने के नाते सवाल करूंगा कि तब भी आपने बेहतर पुलिसिंग के लिए सवाल नहीं उठाए, आज भी आप उस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं, नहीं होती है प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, सही किया जाए, ताकि थानों के अंदर जाने से महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां डरे नहीं, उन्हें यह एहसास हो कि मैं जहां पे जा रही हूं न्याय मांगने के लिए मुझे न्याय मिलेगा, निर्भय होके जाए, उसमें सवाल करना चाहिए, उसमें सवाल नहीं होता नितिन जी, ठीक है सर, ठीक है, दयाराम भार्गव हमारे साथ एसबीएसपी से जुड़े हुए हैं, दयाराम जी ललितपुर की घटना के बारे में आपको पता होगा, क्या कहना है इस पर आपका, और क्यों इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती जा रही है, क्यों भरोसा लोगों का वर्दी के ऊपर से उठ जाए, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, नितिन भाई बीच में कोई ना बोले तो मैं कुछ बोलूं, हाँ थोड़ा जल्दी से बोलो, क्योंकि यहाँ पे डिबेट एक पीड़ित लड़की की बात हो रही है जी, हमारे साथ ही बैठे, ये तेरे काल का है, ये मेरे काल का है, इसकी टोपी, अरे भाई इसके काल का है, अगर आपके घर का होता तो आप किस काल की बात करते, रही बात देखिए नितिन भाई, आज उत्तर प्रदेश जो है कानून व्यवस्था इतना लचर है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर हमेशा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बताते रहते हैं, हमेशा उनकी कमियों को गिनाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उसको अलग एंगल देने का काम करते हैं, अभी सरकार इन्होंने दूसरी कार्यकाल पूरा किया, पिछली सरकार में आप गए, पिछली सरकार को हम लोग आपके चैनल पे जब बैठ के बात करते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, ये पिछली सरकार में तब भी कहते थे, आज आप दूसरे कार्यकाल में है फिर पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश को आप अच्छा प्रदेश कब देंगे, उत्तर प्रदेश में
जनता भय मुक्त कैसे चलेगी उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां नारा चला गया? इन्होंने एंटी रोमियो का जो इस बैड बनाया था कहां चला गया? रही बात आज की पर अगर हम परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में देखें तो एक ऐसा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है कि कुछ भी हो उससे किसी तरह एंगल को मोड़ करके दूसरे एंगल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब जैसे इस रेप को कांड को देख लो, अगर आज योगी सरकार का कानून 5 साल आपने पूरा किया, अगर आपका पिछले सरकार में कानून व्यवस्था आपने दुरुस्त किया होता तो दूसरे कार्यकाल में आज 13 साल की बिटिया के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करने की तो बात छोड़ दीजिए। पुलिस वाले के महकमे में जितने भी लोग हैं उनके इस प्रक्रिया और क्रिया करने से वो लोग सपने में भी नहीं सोचते, लेकिन हौसला अफजाई कौन करता है? हौसला अफजाई भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप उठा कर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चार-चलित चेहरा क्या है। अगर हम बात करें किसी भी जिले की, आए दिन बात कर रहे किसी भी जिले की, अगर आप उठा लो या तो गरीब आदमी थाने पे और चौकी में गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवा नहीं सकता नितिन भाई जी, ये मैं खुद बता रहा हूँ। आप चले जाइए किसी ग्रामीण इलाके में, अगर वो गरीब है, वंचित है, दलित है, शोषित है, वो अगर चौकी में चला जाए तो उसे बाहर खड़ा किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपने आप की उपलब्धि गिराती है। ऐसी सरकार कैसे हुई है? ये सरकार इसलिए हुआ है कि हमें आपको किसी और थ्योरी में गढ़ दिया गया, हमें आपको जो मूलभूत सुविधा उत्तर प्रदेश में चाहिए उससे ये सरकार हटा दी है। आज जनता में जो भय मुक्त होना चाहिए था सरकार, वो भय मुक्त नहीं है, बिल्कुल भय युक्त है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं, अगर इनसे हम महंगाई की बात करेंगे, ये महंगाई को कैसे आपको कहेंगे? अगर गैस सिलेंडर 1000 पार चला गया, महंगाई की बात करते हैं तो लोग गैस सिलेंडर क्यों भरवाते हैं? इनके ये तर्क होते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी सरकार जब नहीं थी हम विपक्ष में थे तब इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड पर बैठा करते थे, चक्का जाम कर दिया करते थे और पिछली सरकार को पानी पी पी के गाया करते थे। आज आप पिछली सरकार के क्यों जा रहे हैं? 5 साल आपने पूरा किया नितिन भाई, आज आप दूसरे कार्यकाल में है तो पिछली सरकार में ना जा करके अपने 5 साल की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिराइए ना भाई। ये कृत्या हो गई पिछले सरकार में, आपने देखा होगा हाथरस कांड का, इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड का जो नितिन भाई कांड हुआ था, क्या उसमें सरकार सबक सीखी? अगर नहीं सबक सीखा तो आज ये कांड जो हो रहा है ये जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं लेते? ठीक है, प्लीज ठीक, समय कम है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। हाँ विनय पटेल क्या कहना चाह रहे थे? देखिए नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या तालमेल है, इनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए। कठुआ में बलात्कार होता है एक लड़की के साथ, आरोपी छूटता है और उसके सम्मान में ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। हाथरस में बलात्कार होता है, लड़की की हत्या कर दी जाती है इतनी दर्दनाक तरीके से, उस गांव में मीडिया वालों को घुसने तक नहीं दिया जाता है, किसी विरोधी पार्टी के नेताओं को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है, इनका DM जाके कहता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। उसके बाद आप आज ललितपुर की घटना आप उठा के देख लीजिए, ये अपने नेताओं के ऊपर या अपने अफसरों के ऊपर, जैसे आज जो ललितपुर की घटना हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या कल को ऐसा ना हो इसका वचन कौन देगा, ये कौन बताएगा कि कल के बाद किसी थाने में या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ऐसी घटना नहीं होगी? ललितपुर की घटना हुई उसको तो हम जान गए, वो घटना थाने के अंदर हुई, जैसे अभी सुभाष भाई ने भी कहा कि जगह इंपॉर्टेंट होता है, वो थाने के अंदर हुई वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी दर्जनों केसेज आ चुके हैं पिछले 1.25 महीने में, तो इन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे जैन साहब बैठे हैं, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे, और उनसे सवाल पूछा भी क्या जाए, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे सपा ने ये किया, बसपा ने वो किया, भाजपा ने वो किया, जब आप उनसे कहेंगे कि क्यों भाई महंगाई बढ़ गई, कहेंगे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जब आप कहेंगे बिजली क्यों नहीं आ रही, कहेंगे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अरे भैया कभी तो ये कह दो कि आपकी गलती है, कभी तो आप कह दो कि हमारी गलती है, कभी तो कह दो यार, कभी तो मान लिया करो, पूरे 5 साल आप सरकार चला चुके हैं, आप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, अभी भी आप सपा बसपा और कांग्रेस को लेके चल रहे हैं, आप अपनी बताइए कि आप कैसे करेंगे? ललितपुर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, ये कैसे हुआ? आगे से किसी थाने में नहीं होगा, मतलब आपकी पुलिस ही आपके अंडर में नहीं है,
आपकी पुलिस आपका कहना नहीं मान रही है, जो आपके नेताओं मंत्रियों की बात नहीं मान रही है, आपकी पुलिस नहीं मान रही है। राजस्थान का एवरेज है बलात्कार की 8 से 10 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। अच्छा इसीलिए आप ज्यादा करवा रहे हैं, राजस्थान में इतना हो रहा है इसीलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा करवा रहे हैं, क्या राजस्थान में हो रहा है इसीलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा करवा रहे हैं। हाँ जैन साहब क्या तर्क दे रहे हैं, राजस्थान में बलात्कार हो रहा है इसीलिए आप उत्तर प्रदेश के थानों में बलात्कार करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी रही सरकार, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश के थानों में बलात्कार करवा रहे हैं। डिफरेंस ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार और एक जवाब और दे देना चाहता हूँ सुभाष भाई का, इन्होंने कहा कि जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं पूरे देश में 6-7 जो है। जैन साहब आ रहा हूँ उसके बाद आप ही के पास जवाब दीजिएगा। दिल्ली में दिल्ली बलात्कार और रेप के मामलों में प्रथम स्थान पर है, तो मुझे तो ये नहीं पता कि सुभाष भाई ये डाटा कहाँ से लाए हैं, लेकिन अगर मैं मान भी लूँ कि हाँ ये डाटा सही है तो उसके बाद सुभाष भाई को भी चीज पता होगी कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार की दिल्ली में महिलाओं के प्रति जो जिम्मेदारी थी, चाहे वो गलियों में 3 लाख CCTV कैमरे लगवाने की बात हो, चाहे वो बसों में मार्शल लगवाने की बात हो, चाहे वो बसों में फ्री यात्रा देने की बात हो, वो वादा हमने पूरा किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारी नहीं है। आप जरा सोचिए हमारे 50-50 विधायकों के ऊपर, ये लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस ये सब चीजें बता करके जिम्मेदारी से मत हटिए, लेकिन जिम्मेदारी आप सबकी है प्लीज। मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, मैं भाई कह रहा हूं विनय भाई, ये बात नहीं मुझे सही लगी, क्योंकि जिम्मेदारी आप सबकी है, चाहे जैन साहब हो, चाहे प्रदीप भाई हो, चाहे दयाराम जी हो, चाहे सुभाष जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने लगवाया, हम सबकी जिम्मेदारी है, मार्शल लगवाना था हमने लगवाया, हमें बसों में फ्री यात्रा करवानी थी हमने कराया, लेकिन अगर पुलिस हमारे 50 विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दे रही है तो आप समझ सकते हैं पुलिस से हमारा कैसा तालमेल होगा। नितिन जी ने उससे पूछा कि जो मैंने आंकड़ा बताया, आंकड़ा में कहां से लिखा है, खिलाफ मुकदमे दर्ज हो तो वो फर्जी हो गए, नितिन जो आंकड़ा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का आंकड़ा है, जिस आंकड़े की दुहाई ये बार बार दूसरी पार्टी वाले प्रवक्ता लोग देते रहते हैं, आज रेप वाला मामला चल रहा है, अदरवाइज भुखमरी वाला मामला अगर आ जाएगा, बेरोजगारी वाला मामला आ जाएगा, तो ये उसी रिकॉर्ड का ही ब्यौरा देंगे, जिस रिकॉर्ड का ब्यौरा मैं दे रहा हूँ। और रही बात जो पुलिसिंग वाली बात अभी जो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पास नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाना है, इस चीज को किस तरह से बेहतर किया जाए उस पर विचार करना है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाएं हमारे समाज का एक अंग है, उनको किस तरीके से निर्भय होकर उनके मन के अंदर विश्वास कैसे आए कि नहीं मैं जिस पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ न्याय मांगने के लिए, जिस खाकी वर्दी वाले के पास जा रही हूँ न्याय मांगने के लिए, वो मेरा भाई हो सकता है, मेरा बाप हो सकता है, मेरा चाचा हो सकता है, वो मुझे न्याय देगा, वो निर्भय होकर जाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पिछला अगला बेहतर क्या हो, ताकि बार बार ये जो शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही है ये रुके कैसे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। जैन साहब 30 सेकंड है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। प्रदेश में नहीं होता है तो लगातार राजस्थान में तो मुकदमे नहीं हो रहे जैन साहब, तो आज 8 से 10 घटनाएं पर डे हो रही है। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, जैन साहब नहीं होंगे, जैन साहब को आज ज्यादा उत्तेजित लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, जैन साहब एक बार भी नहीं बोला कि बेहतर पुलिसिंग के लिए योगी सरकार कुछ करेगी या क्या कर रही है, ये इन्होंने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास नहीं किया, आश्वस्त करने का प्रयास नहीं किया, जो पुलिस इंकाउंटर कर रही है, जो पुलिस की सुरक्षा में बुलडोजर चल रहे हैं आज, ये उसका विरोध कर रहे हैं, और ये लोग तो विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई, हम लोग भी कह रहे हैं कि अच्छी है माफियाओं के ऊपर कार्रवाइयां करिए, लेकिन बाकी चीजों पर भी नजर रखिए आप, समाजवादी पार्टी में जो माफिया नितिन जी क्रिकेट खेल रहे हैं नामी उनका क्या होगा, आपकी पार्टी में वो जैन साहब बताएंगे, जो माफिया खुलेआम 25,000 का इनाम लेके क्रिकेट खेल रहे हैं, तस्वीर लगा के आप चुनाव लड़े, चुनाव में क्या अस्त्र हुआ, ठीक है प्लीज, ठीक है थैंक यू, हमने सुरक्षा दी, हमको जनता ने फिर घंटे सिर्फ मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता इस चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहती है कि वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए, वो तो गया, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले समय में इस तरह से जो शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं
इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, बेहतर पुलिसिंग के लिए क्या कर रही है? ठीक है जैन साहब, प्लीज प्लीज 30 सेकंड से कम समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। नितिन जी सर, मैं आपको बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूँ। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को मारा। ठीक है सर, आप फिर वही जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुनिए, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है, 4000 से ज्यादा ऐसे अपराधी जो ये घटना जो हमको घूम रहे थे जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था, ठीक है उनको गिरफ्तार के। ठीक है प्लीज प्लीज, ठीक है समय कम है जैन साहब, समय कम है। बेहतर कैसे किया जाएगा ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है जिसमें वर्दी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार पुलिस के साथ तालमेल बनाना सरकारों का, अधिकारियों का बहुत ज़रूरी है। जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब से थोड़ी देर पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी उत्तर प्रदेश के DGP से जवाब मांगा है इस ललितपुर की घटना को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन इस तरह की घटनाएँ कैसी रोकी जाएँ इस पर भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।